पाठ 11 प्रणाम प्रोनाउन। बच्चों एहां तस्वीरां नूं देख के वाक पढ़ो अते समझो। करतार सिंह सराबा, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, एह तीनों महान देश भगत सन। एना तीन नाम शब्दां लई एह शब्द दा प्रयोग कीता गया है। एह पड़नाम शब्द है। पड़नाम शब्द नाम दे अग्गे पड़ लाउण नाल बनिया है। इत्थे पड़ दा अर्थ है दी थां। जो शब्द किसे नाम दी थां वरत्या जावे उसनूं पड़नाम कहंदे हन। पड़नाम दियां किस्मां। पड़नाम 6 किस्म दे हुंदे हन। पड़नाम पुरखवाचक पड़नाम, निजवाचक पड़नाम, संबंधवाचक पड़नाम, प्रश्नवाचक पड़नाम, निश्चयवाचक पड़नाम, अनिश्चयवाचक पड़नाम। पहली किस्म है पुरखवाचक पड़नाम। जेड़े शब्द असी अपने जां दूजे पुरखां दे नां दी थां ते वरतदे हां उहनां नूं पुरखवाचक पड़नाम कहा जांदा है। जिवें मैं, मैनू, साडा, असी, तूं, तेरा, तुसी, तुहाडा, ओ, ओना, उसदा, आद। पुरख तीन प्रकार दे हुंदे हन। उत्तम पुरख, मध्यम पुरख, अन्य पुरख। उत्तम पुरख गल करन वाला उत्तम पुरख हुंदा है। जिमें मैं, असी, सानू, मैनू, आद। मैं बहुत खुश हां। असी घर जा रहे हां। सानू खेडन जान दियो। मैनू भुख लगी है। मध्यम पुरख जिस नाल गल कीती जावे ओह मध्यम पुरख हुंदा है। जिवें तू, तुसी, तुहाडा, तुहानू, आद। तू किथे जा रहा है? तुसी खाना खा लो। तुहाडा घर आ गया। तुहानू सैर ते जाना चाहिदा है। अन्य पुरख जिस बारे गल कीती जावे उसनू अन्य पुरख कहा जांदा है। जिवें ओ, उस, ओना, एह, आद। ओ कदों आ रहा है? उसदा दफ्तर किथे है? ओना दे घर व्याह है। ए कौन है? दूजी किस्म है निजवाचक पड़नाम। ओ पड़नाम शब्द जिना दी वरतों कर्ता दे नाल उसदे अपने लिए कीती जांदी है ओना नू निजवाचक पड़नाम कहा जांदा है। जिमें आप, आपे, खुद, अपने आप, आद निजवाचक पड़नाम हन। मैं आप चिट्ठी लिख रही हां। ओहो आपे चला जावेगा। मैनू खुद उठे जाना पिया। मैनू अपने आप ते शर्म आ रही है। बच्चियो की तुसी जानदे हो कि आप शब्द दी वरतों पुरखवाचक पड़नाम अते निजवाचक पड़नाम दोवां विच ही हुंदी है। पर इन्हां विच अंतर है। इन्हां नूं समझण लई थल्ले दित्ते वाक नूं पढ़ो। आप दे दर्शन बड़े दुर्लभ हो गए हन। इत्थे आप शब्द पुरखवाचक पड़नाम है। मैं आपे उस दे दर्शन करन गया। इत्थे आप शब्द निजवाचक पड़नाम है। तीजी किस्म है संबंधवाचक पड़नाम। जेड़े शब्द पड़नाम भी होण अते योजक वांग वाकां नूं जोड़न दा काम भी करन उन्हां नूं संबंधवाचक पड़नाम कहा जांदा है। जिवें जो, सो, जेड़े, जेड़ा, जिसने आद संबंधवाचक पड़नाम हन। जो करेगा सो भरेगा। जेड़े मेहनत करदे हन ओह पास हो जांदे हन। जेड़ा फड़िया गया ओह वारी दवेगा। जिसने चोरी कीती है उसनू सजा मिलेगी।
चौथी किस्म है प्रश्नवाचक पड़नाम। जेड़े शब्द पड़नाम भी होन अते उना राही कुछ पुछया भी जावे प्रश्नवाचक पड़नाम अखवांदे हन, जिमें किस, किसने, कौन, केड़ा आद। एना प्रश्नवाचक पड़नामां दे वाकां दे अंत विच प्रश्नवाचक चिन्ह दा प्रयोग हुंदा है। तुसी किस बारे गल करनी है? किसने ग्लास तोड़या है? ओह कौन सी? तुहाडा साथी केड़ा है? पंजवी किस्म है निश्चयवाचक पड़नाम। ओह शब्द जेड़े किसे निश्चित चीज जां व्यक्ति वाल इशारा करके उना दे नां दी थां वरते जान, ओह निश्चयवाचक पड़नाम अखवांदे हन, जिमें ओह, एह, इस, उस आदि। ओह रो रही है, यह बड़ा हाजिर जवाब है, इसका कोई कसूर नहीं है, उसनू सट लगी है। छेवीं किस्म है अनिश्चयवाचक पड़नाम। ओ पड़नाम शब्द जिन्हां तों किसे चीज या व्यक्ति दा अंदाजा तां लगे पर उस बारे निश्चित ज्ञान ना होवे उनानू अनिश्चयवाचक पड़नाम कहा जांदा है, जिमें सब, थोड़ा, सारे, कुछ आदि। पानी विच कुछ डिग पिया है, थोड़ा पीछे होके खड़े होवो, सारे चुपचाप बैठे हन। पाठ दा दोहराओ। नाम दी थां वरते जान वाले शब्दां नूं पड़नाम कहंदे हन। पड़नाम 6 प्रकार दे हुंदे हन। अपने जां दूजे पुरखां दे नां दी थां वरते जान वाले शब्दां नूं पुरखवाचक पड़नाम कहंदे हन। पुरख 3 प्रकार दे हुंदे हन, उत्तम पुरख, मध्यम पुरख अते अन्य पुरख। गल करन वाला उत्तम पुरख, जिस नाल गल कीती जावे ओह मध्यम पुरख अते जिस बारे गल कीती जावे ओह अन्य पुरख हुंदा है। जेड़े पड़नाम शब्दां दी वरतों कर्ता दे नाल उसदे अपने लई कीती जावे उनां नूं निजवाचक पड़नाम कहंदे हन। जेड़े शब्द पड़नाम होण दे नाल नाल योजक वांग वाकां नूं जोड़न दा काम भी करन संबंधवाचक पड़नाम कहोंदे हन। जेड़े शब्द पड़नाम भी होण अते उनां राही कोई प्रश्न पुछया गया होवे प्रश्नवाचक पड़नाम कहोंदे हन। किसे निश्चित चीज जां व्यक्ति वाल इशारा करके उनां दे नां दी थां वरते गए शब्दां नूं निश्चयवाचक पड़नाम कहंदे हन। किसे चीज जां व्यक्ति दा अंदाजा दसण वाले परंतु उस बारे निश्चित ज्ञान ना देण वाले शब्दां नूं अनिश्चयवाचक पड़नाम कहंदे हन।